भी <laughs> मम्मी <laughs> <laughs> अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप लोग ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आज का व्लॉग जो है बर्थडे के हवाले से है और आज है मेरे हस्बैंड की बर्थडे तो उसी का ही ब्लॉग है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ एंजॉय कीजिएगा तो जनाब आज मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मैं जो हूँ घर में सारा खाना बनाऊंगी और बाहर हम कहीं नहीं जाएंगे तो हम जो हैं घर में ही बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और घर में ही सारा खाना बनाऊंगी कुक करूंगी और साथ में केक भी बनाऊंगी तो जनाब यहाँ जो बर्गर जो रेडी हो चुके थे ये एक दिन पहले का व्लॉग है और यहाँ पर जो हम लोग बर्गर खा रहे हैं डिनर कर रहे हैं और डिनर के बाद हमें जाना है एक जगह और आपको भी अपने साथ ले चलते हैं यहाँ पर आए हैं हम फ्लावर्स लेने के लिए और आपको भी मैंने सोचा कि विज़िट कराती हूँ आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ किस तरह के फ्लावर्स होते हैं और ये देखें जी कितनी ख़ूबसूरत ये शॉप्स है और यहाँ बेहतरीन किस्म के फ़्लावर्स थे अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रियल हैं लेकिन ऐसा नहीं है ये बिल्कुल आर्टिफिशल फ्लावर्स हैं अच्छा दूसरी साइड पे जो है ये बिल्कुल रियल थे और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के थे लेकिन यहाँ मुझे इतनी ज़्यादा इसमें इत खुशबू जो है फ़ील नहीं हो रही थी और आप देख सकते हैं दिखने में कितने खूबसूरत ये फ्लावर्स हैं यहाँ पे जो है हमने फ़्लावर्स जो हैं सेलेक्ट कर दिए थे और अपनी ही पसंद का जो है हम लोगों ने जो है बुकेट बनवा लिया था तो जनाब ये कोई सरप्राइज़ पार्टी नहीं है और ये बिल्कुल भी मेरे हस्बैंड को नहीं छुपा हुआ और वही जाहिर सी बात है मुझे ही लेकर आते हैं सब जगह लेके जाते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे आइडियल किसम के जो हैं यहाँ पर जो है ना डेकोरेशन पीसेस थे और इस तरह के फ्लावर्स वगैरह थे और आप देख सकते हैं कि आयशा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं और मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा खुश हो रही है आ, मैं मेरा बस चले तो मैं रोज़ाना इधर ही आके खड़ी हो जाऊँ <laughs> और यहीं पे ही आ अपना दिल खुश करूँ <laughs> घर में मैंने आपने देखा होगा कि मैंने अपनी विंडो पे जो है कितना छोटा सा गार्डन सा बना रखा है बस उसको देख देख के खुश होती रहती हूँ तो बस यहाँ पे जो है जल्दी से हमने जो ले लिया था और इसके बाद जो है हम लोग घर चले गए हैं मैंने अपनी पसंद का केक बनवाया है और किस तरह का बनवाया है वो मैं आपको आगे चल, आगे चल के शो कराती हूँ और इसके अलावा जो है बस अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि घर जाके जो है मुझे केक भी बेक करना है तो वो भी मैंने आप लोगों से रेसिपी शेयर करनी है ये देखें जी मैं ये लेकर आई हूँ बनवा के अपनी ही चॉइस से और इसमें जो है मैंने वाइट और ब्लू कलर के जो है फूल के जो कम्बिनेशन कराया है और उसके अलावा पिंक और रेड जो है रोज़ मैंने इसमें लगवाया है आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये तो ज़रा टाइम हो रहा है रात का और यहाँ पर जो है मैंने सोचा एक दिन पहले मैं केक बेक करके रखूँगी और यहाँ ये यह है कि ठंडा हो जाएगा तो नेक्स्ट डे तक ये अच्छा हो जाएगा तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चॉकलेट पुडिंग केक और इसके लिए मैंने तीन चमचे जो हैं मैंने चीनी के लिए हैं और साथ में एक चमचा जो इसमें मैंने पानी का डाला है और इसको मैं है मीडियम आँच पर जो है इसको मैं कैरेमल बना लूँगी और कैरेमल जो है मैंने थोड़ा सा डार्क करके बनाया है आप देख सकते हैं और ये कैरेमल हमारा रेडी हो गया है और जिसमें मुझे केक बेक करना है मैं उसी साँचे में मोल में मैं उसे डाल दूँगी कैरेमल को मैंने मोल में रख के ठंडा होने अलग रख दिया है और अब यहाँ पे जो है मैंने मैं बना रही हूँ पुडिंग तो सबसे पहले पुडिंग के लिए जो है मैंने तीन एग लिए हैं अच्छा यहाँ मैं कम पुडिंग बना रही हूँ ज़्यादा जा, मैंने इसमें केक में चॉकलेट रखनी है तो इसके लिए जो है मैंने तीन चमचे जो हैं वो सॉरी तीन एग लिए हैं और एक चमचा भर के जो मैंने इसमें वेलीला पाउडर डाला है अगर आपके पास एसेंस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं और एक कप के बराबर जो है मैंने इसमें दूध डाला है और चार चमचे जो तकरीबन जो है मैंने इसमें कंदेंस मिल्के ऐड करा हूँ बस फिर इसे जो है मैं अच्छी तरीके से बीट कर लूँगी तकरीबन मैंने इसे दस मिनट जो है बीट किया है अब यहाँ पे जो है मैं चॉकलेट केक की तैयारी कर रही हूँ और जिसके लिए जो है मैंने डेढ़ कप जो है मैदा का लिया है ये सारी चीज़ें मैं एक साथ ही छान लूँगी अच्छा यहाँ पे जो है मैंने तीन चमचे जो हैं इसके कोको पाउडर के लिए हैं भर के साथ ही जो है एक टी जो है मैं भर के इसमें बेकिंग पाउडर का ऐड कर दूँगी और ये देख सकते हैं आप मैंने पूरा एक चमचा भर के लिया है और साथ ही जो है मैं इसमें जो है बेकिंग सोडा भी डालूंगी वो हाफ़ टी स्पून डालूंगी मैं इसके अंदर और बस मैं इसे सब छान लूंगी अच्छे तरीके से और साथ ही जो है मैं इसे अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर लूँगी जो है मैं हाफ़ कप जो है ऑयल लूँगी अगर आप बटर डाल सकते हैं तो वो भी डाल सकते हैं और साथ ही जो है मैं इसमें जो है एग ऐड करूँगी और अंडे जो है मैंने इसमें जो है दो डाले हैं अब यहाँ पर जो है मैंने चीन चीनी ली है चीनी जो मैंने एक कप से थोड़ी कम डाली है अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं पूरा कप भर के और यहाँ पे एक कप के करीब भर के जो है मैंने इसमें दूध डाला है और मैं इसमें जो है थोड़ा सा जो है नमक ऐड करूँगी थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है और साथ ही जो है मैं से अच्छी तरह बीट कर लूँगी अच्छा मिस करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने इसमें वेलिना पाउडर तो डाला नहीं तो वो मैंने एक टी स्पून जो है भर के वेलिना पाउडर भी डाल दिया शुक्र है कि मुझे याद आ गया तो मैंने डाल दिया और यहाँ पे जो है मैंने एक चीज़ का जो ऐड एड, किया है यहाँ पे जो मैं रोज़ वाटर जो है वो भी मैंने एक टी स्पून जो है भर के इसमें डाल दिया है और बस मुझे इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ये हमारा रेडी हो चुका है ये देखेगी यहाँ पे जो है मैंने कैरेमल डाला था जिस मॉल में उसमें जो है मैंने ये पुडिंग वाला जो मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया है अब इसी के ऊपर जो आहिस्ता आहिस्ता बगैर हिलाए यहाँ मुझसे हिल गया तो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी लेकिन बगैर हिलाए जो है आपने जो है इसमें जो है ये डाल देना है कोको पाउडर वाला चॉकलेट केक का जो आपने मिक्सचर बनाया है वो इसमें डाल देना है तो बस ये मैं इसे डाल दूँगी यहाँ पर यहाँ मैंने एक थाल लिया है इसमें गर्म पानी डाला है गर्म पानी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसमें पुडिन पुडिन के साथ ये केक बेक होगा तो पुडिन जब भी बनती है तो हम पान, गर्म पानी में इसको बेक करते हैं रख के डिश को बीच में तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से रखा है और 190 डिग्री पे जो है मैंने इसको सेट किया है ओवन को तकरीबन तकरीबा टू मिनट में जो है ये हमारा बेक हो गया है केक तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये केक किस तरह का बेक हुआ है ज़बरदस्त किस्म का अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी जब ये फुल ठंडा हो जाएगा इसके बाद जो है मैं इसे प्लेट में करके फ्रिज में रख दूँगी तो केक जो है हमारा रेडी हो चुका है ये है जी नेक्स्ट डे और यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी और डिनर की तैयारी में कोई राइस और या कोई टिक्के इस तरह की चीज़ें नहीं बना रही मैं बिल्कुल नॉर्मल हटके चीज़ें बना रही हूँ तो यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ पोलो चिकन और पोलो चिकन के लिए मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया इसको बीच में से कट किया है थोड़ा बिल्कुल अलग नहीं किया है और इसको इस तरह से मैंने जो है फ्लैट कर दिया है अच्छा ये जो है ऊपर में जो है इस पर जो है नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ साथ में काली और साथ में जो है ये पेपरिका पाउडर जो है स्प्रिंकल करूँगी और सेंटर में जो है मैंने इसमें यहाँ पे जो है शिमला मिर्च रख दी है और साथ ही जो है मैंने इसमें मोजरेला चीज़ रख दी है बिल्कुल कम क्वांटिटी में रखना है ताकि ये बाहर ना निकले और इस तरीके से मैं शीट को उठा कर जो है इसको फोल्ड कर दूँगी अच्छा ये रेसिपी मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर की है मैं इस वीडियो के एंड में मैं डाल दूँगी इसका लिंक तो आप वहाँ जा देख सकते हैं काफ़ी डिटेल से मैंने तो ये रेसिपी आप लोगों को शेयर की है इस चैनल पे तो बस यहाँ पे जो है ये सारे जो मैं आ, मतलब बनाकर जो है इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन दो से तीन घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी रात की डिनर की तैयारी तो चल ही रही थी तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे फ़ोटो शूट कर लेती हूँ जो मैंने इतनी मेहनत से जो केक बनाया है आप देख सकते हैं इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी रखी है और साथ में किस तरीके से जो है मैंने इसे डेकोरेट किया है और आप देख सकते हैं कितने ही ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइनल लुक है हमारे केक की मैं अगेन से किचन में आ गई हूँ किचन में आने के बाद मैंने यहाँ पे फैतोचना पास्ता बनाने बनाने की तैयारी की है और ये बन गया है आप देख सकते हैं तो बस आज का डिनर जो है मैंने अपने हस्बैंड के इनकी चॉइस से और उनकी मर्ज़ी से मैंने डिसाइड किया था कि आज का जो डिनर जो है कुछ अलग हटके हम लोग करेंगे तो बस ये जो है डिनर और केक ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने अपने घर में बनाई हैं और आप लोग भी इससे आइडिया ले सकते हैं कि आप लोग बर्थडे पार्टी पे किस तरीके का डिनर अरेंज कर सकते हैं और वो भी घर में बिल्कुल इजी और रेसिपी के साथ में आसानी के साथ में आप भी ये बना सकते हैं शाम हो चुकी है मैं और आयशा दोनों रेडी हो चुके हैं और आयशा के जो पापा हैं वो भी अभी आएंगे तो हमने कहा जल्दी से हम लोग रेडी हो जाते हैं तो यहाँ मैंने आयशा को रेडी किया है और ये ड्रेस जो है आयशा की आनी ने आयशा के लिए गिफ्ट भेजा है तो आज मैंने इन्हें फर्स्ट टाइम पहनाया है और ये कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है तो मैं इनसे कह रही थी आयशा की आप जरा सीधी खड़ी हो जाओ सही से हो जाओ तस्वीरें बनवा लो वीडियो बनवा लो कुछ नहीं बस बच्चे अपने मस्त हो रही थी घूम रही थी तैयार होकर जो बच्चे इतराते हैं ना तो वो सारी चीजें इनके अंदर भी हैं <laughs> यहाँ मैंने वाइट सॉस बनाई है पोलो चिकन के साथ जो है वाइट सॉस भी चलती है और रेड सॉस भी चलती है तो बस यहाँ पे जो है मैं चदर चीज डाल रही थी और साथ में इसे फाइनल कुक करके अलग कर रही थी चूल्हे से और अब मैं तैयारी करने लगी हूँ पोलो चिक पोलो चिकन को पोलो चिकन को देखें आप मैंने किस तरह से फ्रिज में रखा था सेट हो गया है और यहाँ पे जो मैदे के मैंने कोट किया है इस मैदे में जो है मैंने काली मिर्चें औरिगनो नमक ऐड किया है और साथ में जो है मैंने इसे इसके ऊपर कोट किया है अंडे से और साथ में जो है ब्रेड क्रम से मैंने इसे कोट किया है आप देख सकते हैं कि लाइन से मैंने प्लेटें रखी हुई हैं और कोटिंग करते हुए मैं करती जा रही हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है मैंने इसे कुक करना शुरू किया है आप देख सकते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर होगा क्योंकि ये चिकन है लो फ्लेम पर होगी और आप देख सकते हैं अपने यहाँ पे मैंने डिनर की टेबल लगा दी है साथ में केक भी रख दिया है और डेकोरेशन भी थोड़ी बहुत सी कर दी है तो मुझे बिल्कुल सिंपल इस तरह की डेकोरे डेकोरेशन की हुई टेबल बहुत ज़्यादा पसंद है और आप देख सकते हैं ये हमारी पोलो चिकन का फाइनल लुक ये किस तरह का मैंने इसे फ्राई किया और बीच में से जो है इसको मैंने सेंटर से कटिंग करती गई हूँ तो आप देख सकते हैं वाइट सॉस भी मैंने अलग से रखी है टेब मैंने प्लेट प्ले जो है बिल्कुल नहीं रेडी करी थी और ये देखें जी इसमें जो है जो भी मसाला है मैंने इसमें लगाया बनाया था वो भी इसमें नज़र आ रहा है साथ में ये फतोचिनो पास्ता है साथ में मैंने कबाब भी इसमें रख दिए थे और साथ ये है हमारा ज़बरदस्त किस्म का बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत ज़बरदस्त ये हमारा केक बेक हुआ था और आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं हमारी टेबल की आज के डिनर में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेहनत तो कम थी लेकिन ये है कि मज़ा भी बहुत आया अच्छा है कि थकन भी नहीं हुई और मेहनत भी कम हुई डिनर बनाने में और मज़ा भी बहुत आया और आप देख सकते हैं और खाना भी हमारा बहुत लाजवाब बना था मैं अपनी क्या तारीफ़ करूं आप लोग ज़रूर बनाइएगा और आप लोग खुद बना के चेक करना कि वाक़ी ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है तो बस ये देखें जी मेरी जो फ़ाइनल ये प्लेट है जो मैंने खा रही हूँ और साथ में जो है खाने को भी इंजॉय कर रही हूँ मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और जो, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो मिल सके और ये देखें जी यहाँ पे केक हुआ है कटिंग हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है वो वीडियो तो मैं बिल्कुल नहीं बना सकी और आप देख सकते हैं किस तरीके का जो हमारा केक बना है ये अभी नीचे गिर जाएगा देखें <laughs> अच्छा जी ये देखें आपको मैं करीब से दिखाती हूँ बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बना है और ये पुडिंग भी हमारी इसके ऊपर बोल को ज़बरदस्त किस्म की सेट हुई है पुडिंग मैंने कम रखी है आप चाहें तो इसे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं ये थी बर्थडे पार्टी बर्थडे डिनर बर्थडे डिनर आइडिया आई होप आप लोग को पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफि